देश की राजधानी दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और पेरिस को पीछे छोड़ आगे निकल गई है और इस मायने में कि सीसीटीवी कैमरा वहां सबसे अधिक लगा है। इसका दावा आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। प्रेस वार्ता कर उन्होंने इसकी जानकारी दी, साथ ही कहा कि सीसीटीवी कैमरों के लग जाने से क्राइम सॉल्व करने में भी मदद मिलती है। इसके साथ ही और भी क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, यह आप खुद ही सुने। आज सुबह सुबह आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूं। दिल्ली में अभी तक हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 7 साल में 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे पूरे दिल्ली में लग चुके हैं, कोने कोने में, सड़कों पे, पब्लिक प्लेसेस में, आरडब्ल्यूएस में, कॉलोनीज में, मोहल्लों में, गलियों में, स्कूलों में 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। पूरी दुनिया में आज की डेट में दिल्ली नंबर 1 है पर स्क्वायर किलोमीटर कितने कैमरे हैं किसी शहर में, इसमें दिल्ली पूरी दुनिया में नंबर 1 है। 150 शहरों का एक संस्था ने सर्वे कराया था, उसमें दिल्ली नंबर 1 है। पर स्क्वायर मील में दिल्ली में 1826 कैमरे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं 1826 कैमरे दिल्ली में पर स्क्वायर माइल, पर स्क्वायर मील। नंबर 2 पे लंदन आता है, 1138 कैमरे हैं लंदन में, मतलब बहुत दूर है, सेकंड प्लेस लंदन की है बहुत। तो हम लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, पेरिस, इन सबसे दिल्ली आगे है, बहुत आगे है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दिल्ली बहुत आगे है। सीसीटीवी कैमरे इतने लगा चुके हैं हम दिल्ली में। हमारे देश में देखें तो सेकंड नंबर पे चेन्नई आता है दिल्ली के बाद, और चेन्नई से 3 गुना ज्यादा कैमरे हैं हमारे दिल्ली में, मुंबई से 11 गुना ज्यादा कैमरे हैं दिल्ली में। जब से ये कैमरे लगाए हैं उससे महिलाओं की सुरक्षा में इजाफा हुआ है, महिलाएं सेफ फील करने लगी हैं, और दूसरा ओवरऑल पुलिस को अब अपराध सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जहां भी कोई अगर अपराधी जाता है तो उसकी सीसीटीवी में फुटेज आ जाती है, तो अपराध सॉल्व करने में पुलिस को बहुत मदद मिलती है। आज मैं खुशखबरी आपके लिए ये लेके आया हूं कि हम 1,40,000 कैमरे और लगाने जा रहे हैं दिल्ली में। 2,75,000 लग चुके हैं, 1,40,000 और लगाने जा रहे हैं। फेज 2 कैमरे लगाने का शुरू हो रहा है, इसके बाद दिल्ली में टोटल 4,15,000 कैमरे हो जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया, ऑलरेडी हम नंबर 1 हैं, इसके बाद तो हम बहुत ज्यादा पूरे दिल्ली में कैमरे हो जाएंगे। आप लोग जानते हो कि किस तरह से दिल्ली में कैमरे लगाने में कितनी अड़चनें आई थी। एक बार तो मेरे को, मनीष जी को, गोपाल राय जी को धरना भी करना पड़ा था एलजी हाउस में, और केंद्र सरकार ने खूब अड़चने लगाई, चारों तरफ से बहुत अड़चने आई थी, लेकिन हम भी डटे रहे, हम भी लगे रहे। और कहते हैं ना कि अगर आप सही नीयत से काम करो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। फाइनली दिल्ली में कैमरे लगने लगे और अब हम पूरी दुनिया में नंबर 1 होते जा रहे हैं। ये जो कैमरे लगा रहे हैं हम लोग, एक तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो केंद्र सरकार की कंपनी है वो ये सारे कैमरे लगा रही है, बहुत शानदार कैमरे लगा रहे हैं। हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी धन्यवाद करना चाहते हैं, ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत मॉडर्न कैमरे हैं। इस कैमरे में क्या है, कैमरे कई बार लगा देते हैं, कैमरा खराब हो जाता है, पता ही नहीं चलता, फिर जब जरूरत पड़ती है, कोई अपराध हो जाए तो पता चला जी सीसीटीवी का तो कैमरा खराब पड़ा था। इसमें क्या है कि अगर कैमरा खराब होगा, काम नहीं कर रहा, तो कमांड सेंटर में एक अलार्म आ जाएगा, फिर कुछ लोगों के नंबर फीड होंगे, उनके एसएमएस आ जाएगा, एसएमएस में आएगा कि कैमरा खराब है, कैमरा काम नहीं कर रहा। तो किसी भी वजह से मान लो कैमरा टूट गया, कैमरा पावर फेलियर हो गया, बिजली नहीं आ रही, या किसी भी वजह से हार्ड डिस्क उसकी काम नहीं कर रही, किसी ने तोड़ दिया कैमरे को, किसी ने कैमरे के ऊपर कुछ चिपका दिया और कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा, किसी भी कारण से अगर कैमरा काम नहीं कर रहा, कमांड सेंटर में अलार्म आ जाएगा और एसएमएस आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कैमरा काम नहीं कर रहा, और तुरंत कैमरा ठीक किया जा सकता है। इस कैमरे में 30 दिन की रिकॉर्डिंग रखी जा सकती है। इसका लाइव व्यू जिन जिन लोगों के फोन के ऊपर ये इसका पासवर्ड डाला जाएगा, पूरी दुनिया भर से वो उसका लाइव व्यू देख सकते हैं। और ये पासवर्ड केवल कुछ ऑथराइज्ड लोगों को ही दिया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा,
तीन या चार लोगों के पास रहेगा, वो लोग पूरी दुनिया से इस कैमरे का फीड देख सकते हैं, लाइव व्यू देख सकते हैं। इसका एक कमांड सेंटर है, उस कमांड सेंटर में दिल्ली में जितने कैमरे हैं सबका फीड जाता है और रियल टाइम बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग होती है। और ये जो कैमरे हैं ये 4 मेगापिक्सल के हैं, बेस्ट हैं, और इसमें नाइट विजन भी है, रात को भी ये कैमरे काम करते हैं। तो इस तरह से दिल्ली की सुरक्षा के लिए और अपने माँ बहनों की सुरक्षा के लिए जो भी बन पड़ा है, जो हमारे हाथ में है, वो हम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतने सारे कैमरे लगने के बाद दिल्ली की सुरक्षा बढ़ेगी, दिल्ली के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से मुख्यमंत्री ने बताया कि सीसीटीवी कैमरा लग जाने से महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सीसीटीवी योजना के दूसरे चरण के तहत दिल्ली में 1,40,000 कैमरा लगाने का कार्य जारी है। देखना दिलचस्प है कि अब दिल्ली को क्राइम मुक्त बनाने में अरविंद केजरीवाल कब सफल होते हैं। कैमरा लगा अन्य देशों से दिल्ली को आगे ले जाने का दावा तो कर रहे हैं। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें, आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।